लेकिन मारूफ तरक्की के नाम से आप मशहूर हैं और आपके वालिद का नाम फिरोज है। इब्तिदा में हज़रत शेख मारूफ तरक्की ने जो कहा था गैर मुस्लिम, यदि याद है अल्लाह पाक जब किसी के भाव भेजता है तो आज ये मौसम बात के स्वामी में से मौसम बात है, हम कह सकते हैं मशाइख में से एक वक्त था कि वो गैर मुस्लिम थे और आप मुसलमान बच्चों के साथ नमाज पढ़ते थे और फिर माँ बाप इस्लाम की तरकीब लेते रहते। आपके पुत्र के वाले ने ईसाई मौलवी के पास आपको तालीम हासिल करने के लिए बिठाया। उस मौलवी ने सवाल किया कि तुम्हारे घर के कितने अफराद हैं? आपने कहा मैं मेरे वाले को नहीं पता, तीन अफराद हैं। कहने लगा तो तुम कहो कि तारे फला था, यानी ईसा तीन खुदाओं में से। आपने फरमाया मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि एक के सिवा दूसरे को रब मानो, इसलिए मैंने फौरन इनकार कर दिया। इस पर मौलवी ने उस्ताद ने मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझे शिद्दत से मारता, मैं उसी जगत से इनकार करता। आखिर आजिज होकर उसने मेरे वालिदैन से कहा इसको कैद करो। तीन रोज तक कैद रहा, हर रोज एक रोटी में हुई थी मगर मैंने उसको छुआ कर दिया। जब मेरे वहाँ से निकाला गया तो मैं भाग गया। चूंकि मेरे वालिदैन का एक ही बेटा था इसलिए मेरी जुदाई से उन्हें बहुत रंज हुआ। वो कहने लगे हमारा बेटा जहाँ भी गया वो लौट आए, वो जिस मजहब को चाहे तैयार करे। सुभानअल्लाह, हम भी उसके साथ अपना दीन तब्दील कर रहे हैं। अब मौलानी अली मारूफ तरक़ी रहमतुल्लाहि तआला ने हज़रत इमाम अली रज़ा के रिश्ते मुबारक पर दाखिल इस्लाम हुआ और घर वापस हुए तो घर वालों ने इनके इस्लाम कबूल करने की बरकत से सारे घर वालों ने इस्लाम किया। अल्लाह ने ऐसा मरतबा दिया कि आप शेख हबीब राही रहमतुल्लाहि तआला के ज़ेर साया तालीम हासिल की और आप आरिफ असरार मारिफत कुतुब वक्त बदरे तरीक़त थे। आपका विसाल शरीफ 2 मुहर्रम 200 हिजरी देखा जाए तो आप ऑलमोस्ट 1700 साल यानी 1200 साल पुराने बुजुर्ग हैं और आपका मजार यहाँ मौजूद है और आपकी बारगाह में जहाँ बहुत सारे आपके फजाइल बरकात हैं मगर हाजतें पूरी होने के लिए आपको बाबुल ख़वारिज़ का मजार है। बड़े बड़े औलिया इकराम का ये फरमान है, उलमा इकराम का ये फरमान है कि जब किसी मुश्किल में हो यहाँ आकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इस दरबार की बरकत से मुश्किलें आसान हो जाती हैं, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और उसको मुजर्रब कहा गया यानी ये आजमूदा नुस्खा है। सुभानअल्लाह, आपकी बड़ी प्यारी करामत भी लिखी है कि एक शख्स का बयान है कि मैं शेख मारूफ तरक़ी रहमतुल्लाहि तआला की खिदमत में हाजिर था, आपने मेरे लिए दुआ फरमाई और मैं वापस घर आ गया। दूसरे दिन फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आपके चेहरे पर निशान बना हुआ था, ऐसी कोई चोट लगी हुई। किसी ने आपसे पूछा कि ए अबू महफूज, हम कल सारा दिन आपके साथ रहे, आपके चेहरे पर कोई चोट नहीं थी, आज चोट कैसे लगी? तो आपने फरमाया अपने मतलब की बात करो, इसके सिवा बात ना करो। तो उसने अर्ज़ की कि प्लीज़ मुझे बताएं, उसने कसमें दी आपको। तो कहा कि गुज़िश्त रात यहाँ नमाज अदा करने की ख्वाहिश हुई, फिर जी चाहा कि बैतुल अक़्दस का तवाफ़ करूँ, मैं मक्का शरीफ चला गया, वहाँ से फिर जमज़म शरीफ की तरफ चल पड़ा कि उसका पानी पी लूँ, वहाँ मेरा पैर फिसला और मुझे ये चोट लग गई। रूहानी तौर पर बगदाद से ये मक्के का सफ़र के फरमाया करते, बहुत ही अजीम वालिदा है और दुनिया भर के जो आशिकाने वालिया हैं यहाँ हाजिर देते हैं। आप कुछ और मुझे मदद के बारे में यहाँ आपको रहती है लगती बारे में हमेशा ये जैसे आपने फरमाया कि ये दरिया के मुशर ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारे यहाँ हमारे सगीर में नहीं बल्कि हमने अरब में भी ये सुना, यानी यहाँ अरब में भी ये मशहूर है। जो अरबी हमारे यहाँ पे मकामी इस्लाम है उनके अंदर भी मशहूर है कि जो भी हाजिर हो इनकी बारगाह में जो है हाजिर हों वो अल्लाह तबारक व तआला हाजिर करते हैं। ये सैयदना मारूफ तरक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं, ये सैयदना सली सख्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह के शेख हैं, यानी जुनैद बगदादी अली रहमा के जो है वो शेख सली सख्ती अली और सली सख्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जो है वो शेख सैयदना मारूफ तरक़ी हैं। और इनके पास दो तरफ से जो है वो सिलसिला है, यानी जो इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी तरफ से और हज़रत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाह तआला अलैह, यानी हज़रत सैयदना मारूफ तरक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह सैयदना दाऊद ताई फिर उस हबीब अजमी रहा फिर हज़रत सैयदना हसन बसरी और इधर से इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ऊपर हज़रत इमाम मूसा कालिम, यानी इधर से भी सिलसिला इनके पास। मारूफ दे बे
खुद सरी बहर मारू को सरी मारूफ दे बे खुद सरी जुंद हक में गे जुने दे बासफा के वास्ते जुंद हक में ये जुने दे बासफा के माशाल्लाह असल में इसको लाइव कर दे लाइव करो तो लाइव भी माइक ही चलेगा। तो मैं एक बार फिर नमाजी को बताता चलूं कि माशाल्लाह इस वक्त हम सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे मौजूद हैं। बहुत ही अजीम हस्ती हैं हमारे सिलसिले के बड़े बुजुर्गों में आपका शुमार होता है। और जैसे कि बताया हमारे मुल्ले दावत इस्लामी ने कि हजरत जुनैद बगदादी जो आसमान विलायत के चमकते हुए सितारे हैं उनके जो शेख हैं सैयदना सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके जो शेख हैं सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह यानी आठवें नवे और दसवें बुजुर्ग का शेर का जिक्र हुआ आज उनकी बारगाह में हाजिर है। वैसे तो बहुत सारे फजाइल हैं मगर अहले अरब ने अहले अजम ने बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है कि सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह का मजार जो है जो समझिए कि यहाँ आकर दुआ की जाए तो मुश्किलें आसान होती हैं और बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि मुजर्रब है। इंशाल्लाह हम दुआ भी करेंगे आप भी हमारे साथ शामिल हो। एक और अच्छी खबर जो मैं आशिकाने अहले बैत को आशिकाने औलिया को आशिकाने सहाबा को देना चाहता हूँ। इसी तरह मालूम रखा के मजार के साथ ही यहाँ दावत इस्लामी ने एक दारुसुन्ना कायम कर दिया है जहाँ हमारे पाकिस्तान से आए अरबी बोलने वाले मुतअल्लिमीन को या शिफ्ट हो गए हैं और वो यहाँ तमाम इस्लामी भाई अव्वल आखिर तीन बार दुरूद पाक एक बार सूरह फातिहा और तीन बार सूरह इख़लास पढ़ें। तिलावत की और हमारी जिंदगी में जो टूटे फूटे नेक आमाल हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीयतन तुहफतन अकीदतन पेश करते हैं कबूल फरमा। प्यारे आका के वसीला जलीला से तमाम अंबिया कराम सहाबा कराम ताबईन तबा ताबईन औलिया कामरीन बिलखसूस
حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرمائیں. اے اللہ ہمارے قادریہ اتاریہ سلسلے کے جتنے مشائخ ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرمائیں. بغداد معلا میں, عراق مقدس میں جتنے انبیاء, جتنے صحابہ, اہل بیت اور اولیاء کرام کے مزارات ہیں, اللہ ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرمائیں. خصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرمائیں. اے اللہ ہمیں سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کی برکت نصیب فرما. اے اللہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ یہاں جو حاجت تیرے دربار میں پیش کی جائے وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے, جو مشکل ہو حل ہو جاتی ہے. اے کریم ان مبارک ہستیوں کا واسطہ جن کے یہ فرمان ہیں, جن کی حاجتیں پوری ہوئیں, جن کی مشکلیں آسان ہوئیں, تو جو ان کا واسطہ ہے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما, پریشانی دور فرما. ہم نے جو 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 پریشانی دل میں لے کر آیا ہے اللہ گھر پہنچنے سے پہلے خوشخبری عطا فرما, جو مشکل لے کر آیا ہے گھر پہنچنے سے پہلے مشکل کا حل عطا فرما. اے اللہ ہمیں بار بار بغداد معلا کی حاضری نصیب فرما, اور اس مبارک سفر کی برکت سے حرمین طیبین کا سفر بار بار نصیب فرما. اے اللہ سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما, رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہم جتنے بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں یا ہم میں بھی کوئی بیمار یہاں آیا ہے, اے شفا دینے والے شفا کی دولت نصیب فرما. زوال نعمت سے بچا, حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آصف سے بچا, زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا, زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا. اے اللہ ہمارے گھر بار کی خیر فرما, ہمارے بال بچوں کی خیر فرما, بچوں کے بچوں کی خیر فرما, پورے خاندان کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللہ جتنے یہاں ہاتھ اٹھتے ہیں, جتنے سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں, بعد میں شامل ہوں گے, اللہ سب کی دعائیں پوری فرما, سب کی حاجتیں پوری فرما. جو حاضری کے لیے اے اللہ دلوں میں ارمان رکھتے ہیں انہیں بھی بغداد معلا عراق مقدس کی حاضری عطا فرما, ہمارے سفر کو خیر و عافیت سے پورا فرما. اللہ خیر سے اپنے وطن پہنچنا نصیب فرما. اے اللہ بغداد معلا فلسطین, دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں غیب سے مدد فرما. رب یسر ولا تعسر وطمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. بہر معروف سری معروف دے بے خود سری, بہر معروف سری معروف دے بے خود سری, جند حق میں گن چنے دے با صفا کے واسطے, جند حق میں گن چنے دے با صفا کے واسطے, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. آمین آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں اس مسجد میں آج انشاءاللہ ہمارا سنت و بھرا عربی اسلامی بھائیوں میں اجتماع, اس کی آپ کو تفصیل بتا. روزے کے ساتھ اور اس عظیم و شان مسجد میں آج یعنی جمعہ 11 اکتوبر الحمدللہ ایک عظیم و شان سنت و بھرا اجتماع ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ یہ مرکز دعوت الاسلامیہ کی طرف سے یہ اجتماع آج سجایا جا رہا ہے. عرب عاشقان رسول کو دعوت دی ہے, کثیر تعداد میں علماء تشریف لائیں گے, عربی میں نعتیں بھی ہوں گی, ان شاء اللہ مغرب کی نماز کے بعد ہوگا. یہ ایکچولی ہے تو عرب اسلامی بھائیوں کے لیے,
जो उर्दू बोलने वाले इस्लामी भाई हैं वो भी ऐसा ना हो कि मायूस हो। कल इंशाल्लाह, यानी कल है 12 अक्टूबर, तो कल जो हफ्ते वाले दिन रात 9:30 बजे फलस्तीन होटल है, शारे सदून पर बड़ा मशहूर है, वहाँ अगर जो इराक आए हुए हैं आशिकान रसूल वो आना चाहते हैं तो निगरानी शुरा का कल वहाँ बयान होगा, अजीम शान इज्तिमा होगा, दुआ होगी खुसूसी। लेकिन आज माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि अल्लाह ने दावत इस्लामी को कितनी इज्जत दी है और इस मस्जिद में दावत इस्लामी की एक्टिविटीज़ भी होती है माशाल्लाह। हमारा वीकली मदनी हल्का होता है, इसके साथ जो है वो डेली गेस्ट होता है और इसके अलावा ये हमारे दोनों मुबल्लिगीन डेली 2 दर्स होते हैं सारे अरबी में, असर में और इशा रोजाना, असर और इशा के बाद इस मस्जिद में दावत इस्लामी के दर्स होते हैं अरबी जबान में, नेकी की दावत का सिलसिला है, हफ्तावार जिसको आप इज्तिमा कहें उसकी तरकीब है। फिर ये लंगर अच्छा उसकी क्या तरकीब रहा आगे आइएगा बताते हैं। लंगर उसमें दो दिन जो है जी फरमाइए, यहाँ पे शेख मारूफ करती अली रहमा के मिजाशी पर एक लंगर खाना है जिसमें दो दिन यानी पीर शरीफ और जुमरात तकरीबन 150 से ज़्यादा जो है वो ख़ानदानों को खाना तकसीम किया। अच्छा फैमिलीज को यानी पका हुआ खाना होता है उसको जो है वो यहाँ पे पकाते हैं और फिर उसको वो फैमिली खाती हैं और वो खाना जो है अच्छा घरों में ले जाते हैं घरों माशाल्लाह, यानी आप बैठ के नहीं बल्कि घरों में लेके जाते हैं जी, और वो पूरे पूरे फैमिली के जितने भी अरकान होते हैं उनके कार्ड बने हुए हैं, इस घर के अंदर जो है वो 10 अफराद हैं, इस घर में 12 अफराद हैं, तो उनको उतनी तादाद में खाना चाहिए। अखराजात कितने हैं इसमें अलावा FGRF भी शामिल है? जी FGRF। अच्छा ये कितना अखराजात है तकरीबन इसमें? एक दिन का जो है यानी मिसाल के तौर पे पीर शरीफ का है तो उसका $500 जो है वो मिनिमम। आप चाहें तो रोज भी कर सकते हैं और आप चाहें तो फैमिलीज बढ़ा भी सकते हैं जी फैमिली, यानी अगर 150 फैमिलीज का $500 खर्चा है तो इट मीन्स $4 तकरीबन एक फैमिली का हो गया जी ऑलमोस्ट जी। ठीक है ना, तो नाज़रीन ये एक बड़ी नेकी है, हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं इंशाल्लाह, थोड़ी देर बाद उस लंगर खाने में भी जाएंगे तो जो यहाँ हमारे इस्लामी भाई हैं वो भी गौर से सुन लें और जो हमें लाइव सुन रहे हैं। बगदाद में लंगर करने का शौक़ बहुत सारे लोगों को होता है तो क्या ही अच्छा हो कि सिदरा मारूफ करखी रहमतुल्लाह तआला के मज़ार पर आशिकान रसूल फैमिलीज़ को तलाश करके उन्हें फैमिली वाइज लंगर दिया जाता है। बहुत गुरबत है तो गौसे पाक के लंगर की नीयत से, 11वीं के लंगर की नीयत से आप FGRF का तआवुन कर सकते हैं ऑलमोस्ट $4 पर फैमिली, एक अंदाजन मैं आपको बता रहा हूँ। और ये अभी हमने हफ्ते में 2 दिन शुरू किया है, पीर और जुमेरात माशाल्लाह इन दिनों में लोग रोज़ा भी रखते हैं जो सुन्नत पर अमल कर रहे होते हैं। तो बहरहाल पीर और जुमेरात है, अब जैसे अगर आशिकात रसूल बढ़ते जाएंगे, हमारे डोनर बढ़ते जाएंगे तो हम इसको तादाद को बढ़ा भी सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई महीने में एक दिन हमारी तरफ से कर दें। अच्छा फैमिलीज भी बढ़ सकती हैं तो ये जो लंगर खिलाने के शौकीन हैं बगदाद में लंगर और वो भी सेजरा मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला के कदमों में और वो भी फिर दावत इस्लामी के शोबे FGRF की तरफ से मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के सुपरविजन, ये उलमा भी हैं और अरबी बोलने वाले उलमा हैं, तो माशाल्लाह ये काम यहाँ शुरू हो गया है। थोड़ी देर में लंगर खाने पर भी जाएंगे और आपको इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी शेयर करेंगे। तो चले लगे हाथों, जुम्मे की एक नेकी 70 नेकी के बराबर है, तो हमने आपको ये भी नेकी की दावत दे दी है। तो मुसलमानों को लंगर खिलाना ये बड़ी नेकी है जिसमें आप चाहें तो अपना हिस्सा खिला सकते हैं। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह हमारे काफिले वालों ने भी इब्तिदा कर दी, जो इस लंगर में अपना हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो वो भी हिस्सा मिला सकते हैं। अच्छा ये एक लंगर हमें जालवी शरीफ वाले दिन करना है, वो मैं आपको ये प्यारा कुल्ली प्यारा के साथ लंगर के लिए आप देंगे जो भी दे रहे हैं माशाल्लाह अपने वालदैन के साले सवाब के लिए बुजुर्गान दीन की माशाल्लाह जो भी इसमें देना चाहें दे सकते हैं। बाद में भी आप हमसे रब्ता कर लीजिएगा, पाकिस्तान में भी आप हमसे रब्ता करेंगे कि भाई इस लंगर खाने में हम अपना हिस्सा महाना डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं माशाल्लाह सुहाना। क्या बात है, ये होती है बात, अभी नियत की है तो पहले यहीं से काम शुरू होगा माशाल्लाह। यहाँ पे हमें दीनी काम करने के लिए जो है वो चीज़ों की एक्टिविटी की हासिल है, क्योंकि यहाँ पे गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है इंशाल्लाह। चले तरगीब दी है तो तरगीब बनना भी तो पड़ेगा ना इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह हमारी तरफ से भी इंशाल्लाह हम लंगर के पैसे डालेंगे और मैं तमाम दुनिया भर के नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि इस नेकी में आपने ज़रूर हिस्सा डालना है। तो ये बगदाद मोहल्ला की नेकियां होंगी और इसमें आपका हिस्सा शामिल हो जाएगा इंशाल्लाह। उसको बेटा काउंट कर दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। और भी आगे माशाल्लाह।
तो इंशाल्लाह दुनिया भर से भी मुझे उम्मीद है आशिकान रसूल अपना हिस्सा मिलाएंगे। रब्ता कीजिएगा, हमारे पेज पे भी आप रब्ता कर लेंगे इनबॉक्स में, तो वहाँ भी हमारे एडमिन आपको गाइड कर देंगे। और जो बगदाद में बिलखसूस आए हुए दुनिया भर के आशिकान रसूल हैं, अब्दुल माजिद भाई यहाँ यहीं मजार शरीफ पे होते हैं और इनका यहीं क़याम रहता है, आप हमारे जिम्मेदारान से रब्ता कर सकते हैं, खुद ही आकर लंगर खाना भी देख लें और यहाँ पर आकर रकम दे जाएँ। आप जितने इस्लामी भाइयों को कहेंगे, जितनी फैमिलीज़ को कहेंगे, इंशाल्लाह यहाँ ये डोनेट कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।